हाय फ्रेंड्स, आई एम तेजस्विनी। वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस्विनीज डीआईवाई। आई होप कि आप सब सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। यहाँ हम क्राफ्ट रिलेटेड क्रिएटिव इनोवेटिव चीज़ें बनाते हैं। तो चलिए, आज हम पॉम ट्री बनाने वाले हैं। फर्स्ट हम पॉम का यूज़ करेंगे और ये ब्रश और एक्रेलिक पेंट का यूज़ करूँगी। ये कुछ ब्रांचेस हैं जो आपको कहीं भी घर के आसपास मिल जाएंगे। दीज आर द मिनिमल थिंग्स वी नीड इन दिस प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट हम ये ब्रांच को वाइट पेंट से पेंट कर लेंगे। ध्यान रखिए, ब्रांचेस जितनी ज़्यादा हो उतना आपका ट्री ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये मैंने थिन ब्रश लिया है ताकि जो पेंट लगेगा वो बहुत फाइन होगा। हे गाइज, आई जेन्युइनली टेल यू, दिस ट्री इज़ मस्ट टू हैव इन योर होम। इससे आपका एक घर का कॉर्नर बहुत सुंदर लगने लगेगा। तो चलिए फटाफट मैं इसे पेंट कर देती हूँ। ये हमारा ट्री ऑलमोस्ट मैंने हाफ फिनिश कर दिया है। इट्स स्टार्ट पेंटिंग इट्स ट्रंक ऑल्सो। तो यहाँ पे हमको फटाफट पेंट हो जाएगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज एक्रेलिक पेंट बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ये हमारा ट्री यहाँ पे पेंट हो गया है। मस्त लग रहा है ना। आफ्टर गिविंग इट अ वाइट कलर इट्स गिवन अ न्यू लुक। अभी हम इसे पॉम स्टिक करेंगे। पॉम स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ करूँगी। बट स्टिक करने से पहले आप थोड़ा एक पॉम लगा के देख सकते हैं कि वॉट काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पॉम विल लुक गुड फॉर द ट्री। अभी यहाँ पे मैं कौन सा कलर अच्छा लगेगा यहाँ पे ट्री के डिफरेंट डिफरेंट एंड्स में ये चेक करके यहाँ पे मैं ग्लू से इसको स्टिक कर रही हूँ। एवरी टाइम आई एम चेकिंग सो दैट आई विल हैव अ आइडिया कि कौन सा अच्छा लगता है ट्री पे। आई प्रीफर कि जो बड़े पॉम्स होते हैं वो ट्री के एंड में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सो आई सजेस्ट यू कि आप भी ऐसे ही ट्राई करें। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वॉट एंड्स यू हैव ट्राइड और आपको ये कैसा लगा है। मैंने यहाँ पे स्मॉल और मीडियम साइज के पॉम यूज़ करे हैं। अगर आपको घर पे पॉम कैसे बनाते हैं सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने हर एक एंड पे छोटे बड़े पॉम लगाए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को लगाया है। और ध्यान रखें कि यू शुड नॉट स्टिक सेम कलर्स साइड बाय साइड। डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमारा पॉम ट्री बहुत ब्राइट लगेगा और खूबसूरत लगेगा। हमारा ट्री यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आपको जितना बड़ा पॉम ट्री बनाना है आप उतनी बड़ी ब्रांच ले सकते हैं। आपका पॉम ट्री उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। Hey guys, with this our pom-pom tree is ready. It's looking really awesome, na? Hey guys, same medium size pom-pom tree मैंने घर पे बनाया है। And just to give it a bit more flavor, मैंने market purchase sparrow यहाँ पे रखी है। And मैंने इसे hand painted मटका में रखा है। This beautiful pom-pom tree मैंने dining table पे रखा है। And it just looked awesome, guys. Hey guys. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप आगे देख सकते। टिल देन, बाय बाय।